अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ये मेरा नेक्स्ट ब्लॉग है। आज मैंने ब्लॉग लेट डाला है, सुबह से बिजी थी ना, अभी मार्केट से आई हूँ, बहुत सब साफ करी, पुदीना वगैरह इफ्तारी की तैयारी शुरू है। तैयारी शुरू कर रही हूँ। सब बनाना बाकी है, आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। चटनी का पुदीना है, 3-4 लहसुन की कलियां है और 3 मिर्ची है, 3-4, और पुदीना, हरा धनिया और खोबरा है, गीला खोबरा, नारियल होता है ना वो, और ये चना दाल वड़े का मटेरियल, इसमें खोबरा नहीं जाएगा, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मेरे मैंगो वड़े, लेट हुआ है। गलती भी तो मुझे माफ करना, मुझे आज बहुत लेट हुआ, बता रही थी ना। गरम ऑयल में, ज़्यादा गरम भी नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ना है। इसके बाद दाल वड़ा भी बनाना है मुझे। हाँ, मैंने इसमें ना हरी मिर्ची डाली थी पीस कर और काट कर, सॉरी, पीसने के बाद, और थोड़ा सा जीरा डाली थी अखा। और देखो ऐसा हाथ पे लेती हूँ, मेरे को बताती हूँ आपको, देखो ऐसा लिए और ऐसा छोड़ दी, बेटे आए सुनने के लिए। देखो हाँ, एक बार और फिर से, मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये देखो, अभी मैं बहुत आज गड़बड़ हो गई, लेट हो रहा है, इसके लिए मेरे को कम्प्लीटली कुछ बताने नहीं मिल रहा है। अरे वही चने डाल के वड़े, हरे भरे कबाब बोलते हैं उसको, पर चना डाल के हरे भरे कबाब होते हैं। साउथ इंडियन वाले उनको चने डाल के वड़े बोलते हैं, हम लोग इसको हरे भरे कबाब बोलते हैं। इसमें मैंने चना दाल भिगो के रखी थी 200 ग्राम, उसमें एक अदरक का पीस डाली थी, एक लहसुन की ये कली डाली थी बड़ी, और 3-4 हरी मिर्ची, एक टेबल स्पून जीरा, अखा जीरा, और कोतम्बीर, पुदीना, और इधर बन रहा है हमारा चना बटाटा। मेंदू वड़ा बन चुका है, बेबी दिखाओ जरा।
मेहंदी वड़ा बन चुका है हमारा, देखो माशाल्लाह जरूर बनिए। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी आपको इफ्तारी करते वक्त मिलती, मेरे को बहुत लेट हो रहा है आज, मैं चिकन लाने गई ना उधर भूल करती थी। ये देखो अभी मैं बहुत आज गड़बड़ हो गई, लेट हो रहा है, इसके लिए मेरे को कम्प्लीटली कुछ बताने नहीं मिल रहा है। अरे वही चने डाल के वड़े, हरे भरे कबाब होते हैं उसको, पर चना डाल के हरे भरे कबाब होते हैं। साउथ इंडियन वाले उनको चने डाल के वड़े बोलते हैं, हम लोग इसको हरे भरे कबाब बोलते हैं। इसमें मैंने चना दाल भिगो के रखी थी 200 ग्राम, उसमें एक अदरक का पीस डाली थी, एक लहसुन की ये कली डाली थी बड़ी, और तीन चार हरी मिर्ची, और एक टेबल स्पून जीरा, अक्खा जीरा, और कोतम्बीर पुदीना। और इधर बन रहा है हमारा चना बटाटा, मेहंदू वड़ा बन चुका है, बेबी दिखाओ जरा, मेहंदू वड़ा बन चुका है हमारा, देखो माशाल्लाह जरूर बनिए। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी आपको इफ्तारी करते वक्त मिलती, मेरे को बहुत लेट हो रहा है आज, चिकन लाने गई ना उधर भूल करती थी। ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, अब भी रोज़ा खोल के नमाज वगैरह हो गई, ज़रा लेती हूँ क्योंकि ज़रा सा चक्कर सा आ रहा था, तो थोड़ी ज़रा लेट लेती हूँ। उसके बाद बाकी के काम में देखो, इफ्तारी भी नहीं उठाई, भाजी भी साफ करनी, सब पसारे वैसी पड़ी है। अभी बोली वही मेरे बेटा है, ये मेरा बेटा है छोटा वाला, बहुत मेहनत करता है, नमाज भी पढ़ता, पाँच वक्त की रोजे भी माशाल्लाह रखता है, और बहुत मेहनत करता है। हम लोग तीन थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, पर मेरा बच्चा जितने बार भी दुकान पे भेजूँ ना तो मना नहीं करता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरे पैर दुखते जाता है मेरा बच्चा, पानी भी पीने का बाहर से नीचे से भर कर लाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे को कोई टेंशन नहीं है। और ये हमारा किट्टी है, छोटा सा बाबू है, बाबू भोपले, ये मेरा बेटा है, मेरा छोटा सा बाबू है। ये मेरी बेटी है बड़ी वाली, एट स्टैंडर्ड में। लवी तुम कितने स्टैंडर्ड में बोलो? फिफ्थ स्टैंडर्ड में। और इनाया एट में, अभी उसके पापा है नहीं, गाड़ी पे गए, वो ड्राइवर है मेरे शोहर, अभी वो गाड़ी पे गए, आम का सीजन है ना चालू, तो आम भर कर लेकर गए, अभी कल आएंगे वो, कल आते हैं कि परसों आते पता नहीं, चेन्नई गए हैं, कल भी आ सकते हैं या तो परसों आएंगे। और गाइस मेरा, मैंने आपको पूरी ब्लॉग ने दी, पूरी वीडियो ने बनाई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ ना, मैंने चने बटाटे की आज तो आपने कल तो देखा था, चना बटाटा हमारे यहाँ पे रोज़ बनता है, और चने की दाल के बड़े मतलब हरे भरे कबाब बनाए थे, उसकी भी मैंने आपको पूरी रेसिपी नहीं दी हूँ, माफ़ करिएगा। नेक्स्ट टाइम बनाते रहूँगी, अभी तो रमज़ान महीना है ना, बनाते रहूँगी, तो नेक्स्ट टाइम आपको बताती हूँ कैसी थी। और हाँ, मेहंदू वड़ा प्लीज़ ट्राई करिएगा, चटनी भी मैंने आपको बोली ना, पुदीना ली ज़रा सा, दो तीन टाले ली हूँ पुदीने के, दो से तीन टाले, हाँ, और तीन हरी मिर्च ली, तीन से चार अदद, तीखी वाली ली हूँ, फीकी वाली नहीं, जो तेज़ होती है ना लौंगी मिर्ची वो ली, तीन से चार अदद लहसुन ली हूँ, छोटी मिर्च रहती ना लहसुन की वो, तो तीन से चार अदद, और हल्का सा ज़ीरा, और धनिया ली हूँ हरा धनिया, और चाट मसाला, दही,
और ज़रा सा नारियल ली हूँ, गीला नारियल होता है ना वो डाली हूँ। अभी आप मुझे बताइए कि मेरी चटनी कैसी लगी आपको, और थोड़ी सी टेस्ट के लिए ये भी ली, क्या बोलते हैं, थोड़ी सी शुगर डाली हूँ मिठास के लिए, दही खट्टा होता है ना इसलिए। अभी आप मुझे बताना कि मेरी चटनी आपको कैसी लगी। हमारे घर में तो माशाल्लाह सबको पसंद आई, हर साल मैं उसी तरह से चटनी बनाती हूँ। और क्या बोलूँ, अभी देखो यहाँ पे इतने पसारे पड़े ना, मेरे को भाजी साफ़ करने की, पाला भाजी मेरे को लाल वाली होती है ना वो सेहरी के लिए, आटा गूंदना है रोटी के लिए। अभी रात में तो हम लोग इफ्तारी कर लेते हैं माशाल्लाह, तो हम लोग खाना नहीं खाते, रात का खाना नहीं खाते हम लोग, इफ्तारी का जो होता है वो खाते, क्योंकि नहीं खाई जाता हम लोग से, जो इफ्तारी होती ना वही हजम नहीं होती, तो खाना वैसा खाएंगे फिर सहरी को भी उठना पड़ता है, हाजमा नहीं होता हमारा। अभी देखते हैं, भाजी साफ करनी है, बर्तन घसने हैं, इफ्तारी के बर्तन निकले हैं वो घसने हैं। अभी मैंने विनाया को बोली, विनाया मैंने 3 टाइम बर्तन घसी हूँ, रात के घसी हूँ खाने के, कल हम लोग ने अंडा बिरयानी आपको ने सॉरी अंडे यखनी पुलाव डाली थी, उसके थोड़े से बर्तन हैं ज़रा से, वो तो मैंने सुबह घसी सहरी में, सहरी के बर्तन भी सुबह में घसी पानी आने के पहले, फिर दोपहर में जो निकले थे इफ्तारी के असर बाद वो भी घसी हूँ। अभी इफ्तारी के बाद जो निकले हैं बर्तन, अल्लाह बरकत, बर्तन को तो इतनी बरकत आ रही है ना, क्या बताऊँगी, इतनी बरकत आ रही है रमज़ान महीने में कि उसकी हद ही नहीं है, बहुत बहुत बरकत आ रही है। कितना भी घसो बर्तन क्लियर होता ही नहीं है, फिर भी मैं क्या करती, इफ्तारी जैसे बनाती जाती ना वैसे एक दो एक दो एक दो निकलते, उस तरह से मैं घसते जाती हूँ, बर्तन रखती नहीं हूँ मैं। देखो अभी इतने पसारे, मेरा जब तक मसाला नहीं बनेगा ना तब तक मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। मैं मशीन की लगाई हूँ मैं, और मेरा छोटू है ना किट्टी भोपला, उसने वॉमिटिंग करा है तो उसमें जा नमाज भी डाला उसने, मतलब ना हमारी गलती, नमाज पढ़ने की गड़बड़ थी, मगरिब की रोज़ा खोलते ही हम लोग ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं, खजूर वगैरह खा के नमाज के लिए खड़े होते हैं, तो भोपले ने उल्टी करा था, मैंने चेक नहीं किया, जा नमाज डाली, शुक्र है अल्लाह का कि मैंने एक ही जा नमाज डाली, दोनों साथ में पढ़ रहे थे मैं और मेरी बेटी नया, तो मैंने देखी तो उसने वॉमिटिंग किया था, तो मैंने वो जा नमाज वैसी मशीन में डाल दी धोने के लिए कपड़ों के साथ, मीन्स कपड़े हो गए धो के, जा नमाज अलग से।